जैसे जैसे इसराइल और हिजबुल्ला के बीच युद्ध का ज्वालामुखी फटने को आ रहा है, वैसे वैसे हिजबुल्ला लगातार इसराइल के ऊपर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में हिजबुल्ला ने अपना एक जासूसी ड्रोन कब्जे वाले फिलिस्तीन में भेजकर इजरायली सेना के तमाम खुफिया सैन्य अड्डों, एयर डिफेंस, हथियार कंपनियों का भेद जान लिया था और हिजबुल्ला ने बाकायदा इसका एक वीडियो भी जारी किया था और कहा था कि अब इजरायली सेना के अड्डों की जानकारी उसके पास पहुंच चुकी है और अगर इसराइल ने लेबनान पर हमला करने की जरूरत की तो इसराइल का क्या होगा ये उसे भी नहीं पता। लेकिन अब इस सब के बीच हिजबुल्ला ने एक बार फिर से इसराइल के साथ एक बहुत बड़ा कांड कर दिया है। वो ये है कि हिजबुल्ला ने दोबारा अपना एक जासूसी ड्रोन भेजकर इजरायली सेना के कई राज जान लिए हैं। दरअसल हिजबुल्ला का कहना है कि उसने कब्जे वाले सीरियन गोलन इलाके में अपना एक जासूसी ड्रोन भेजा था और ये ड्रोन काफी समय तक इस इलाके में उड़ान भरता रहा और IDF के सारे महत्वपूर्ण ठिकानों की जानकारी इकट्ठा करके उसका वीडियो रिकॉर्ड करता रहा। और तो और IDF को इसकी भनक तक नहीं लगी और ये ड्रोन सीरियन गोलन में IDF के सारे भेद जानकर वापस लेबनान लौट आया। दरअसल हिजबुल्ला ने इस ऑपरेशन का 10 मिनट का वीडियो जारी किया है। वीडियो में इसराइल के 6 रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक जासूसी अड्डों को दिखाया गया है। इसमें पश्चिम और पूर्वी स्लैगिम साइट्स, एस्त्रा साइट, इजरायली साइट, अवीतल साइट और तेलफारेस सैन्य अड्डे शामिल हैं और हिजबुल्ला ने इस ऑपरेशन को होपोए पार्ट 2 का नाम दिया है। हिजबुल्ला के मुताबिक IDF के इन सैन्य अड्डों से जासूसी, गाइडेंस, लंबी दूरी की मॉनिटरिंग और इलेक्ट्रॉनिक अटैक जैसे जैमिंग और डिसेप्शन किए जाते थे। इसके अलावा इन सैन्य अड्डों पर प्रमुख संचार नोड्स और डेटा एक्सचेंज और 9,900 यूनिट और 8,200 यूनिट की फोर्स भी है। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने IDF के इंटेलिजेंस और शुरुआती चेतावनी देने वाले सैन्य अड्डों को वीडियो में कैद किया है और इसे द आई ऑफ स्टेट ऑफ इसराइल का नाम दिया गया है। हिजबुल्ला ने अपने इस वीडियो में कई परतों से इन सैन्य अड्डों की खुफिया जानकारी हासिल की है। वीडियो में उन सड़कों को भी फिल्माया गया है जिन्हें IDF ने हमास के हमले के वक्त बनाया था और इन रास्तों पर इजरायली सैनिकों के कई शेल्टर्स भी बनाए गए थे। इसके अलावा इस वीडियो के आखिर में ये भी आ रहा है कि आगे अभी बाकी है, जिसका मतलब ये हुआ कि साफेद और तबारिया की जासूसी का वीडियो अगले एपिसोड में आना बाकी है। हिजबुल्ला ने जो वीडियो जारी किया है उसमें जो जानकारी हासिल की है वो ये है कि हबुशित और मालहा गोलन बैरिक पर नए पॉइंट स्थापित किए गए हैं। युआव बैरिक्स पर आर्टिलरी और मिसाइल बटालियन अल जलील और गोलन फ्रंट्स पर ऑपरेट कर रही है। सदन रिवाया बैरिक्स पर 71वीं बख्तरबंद बटालियन का हेडक्वार्टर है जिसमें 188वीं ब्रिगेड है। उत्तरी रिवाया बैरिक में 74वीं बख्तरबंद बटालियन का हेडक्वार्टर है। अली का बैरिक्स में 188वीं बख्तरबंद ब्रिगेड का प्रमुख मुख्यालय है, वहीं कीरिन बैरिक्स के गोलन फील्ड में पैदल सेना का कैंप है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला के इस वीडियो से इसराइल में बवाल मच गया है। इजरायली मीडिया IDF से जवाब मांग रही है। इजरायली मीडिया का कहना है कि हिजबुल्ला ने इसराइल के सबसे संवेदनशील सैन्य अड्डों की जानकारी हासिल कर ली है जो उत्तर में है और हिजबुल्ला का ये नया वीडियो नई चिंताएं पैदा करता है और कई रक्षा एक्सपर्ट्स का कहना है कि हिजबुल्ला IDF के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव डाल रहा है
और ये वीडियो साबित करता है कि कैसे इजरायली सेना इस ड्रोन को पकड़ नहीं पाई। कुछ मीडिया हाउसेस का तो ये भी कहना है कि हिजबुल्ला के इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए IDF को और कितने F-35 जेट्स चाहिए, और कुछ जानकारों का कहना है कि हिजबुल्ला न सिर्फ IDF के संवेदनशील ठिकानों तक जासूसी कर रहा है बल्कि वो इन पर हमला भी कर सकता है, जिसमें IDF को बड़ा नुकसान हो सकता है, जो इसराइल की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। जहां एक ओर अरब समेत पश्चिमी देश इसराइल हमास की जंग रोकने की भरपूर कोशिशों में जुटे हैं, वहीं इसराइल इस जंग को और तेजी से आगे बढ़ा रहा है। गाजा में हमास के सफाई के बाद अब रफा में इसराइल हमास के पीछे पड़ा है, वहीं इसराइल हमास की इस जंग में अब तालिबान भी कूद पड़ा है। तालिबान ने इसराइल के खिलाफ जंग में हिजबुल्ला का साथ देने के लिए 1000 से अधिक लड़ाके लेबनान भेजे हैं। तालिबानी लड़ाके लेबनान की ओर जाते दिख रहे हैं। एक्स पर इसे लेकर एक वीडियो भी सामने आया है। अफगानिस्तान से पहली खेप में 1000 से ज्यादा तालिबानी लड़ाके लेबनान भेजे गए हैं, जो युद्ध में हिजबुल्ला का साथ देंगे। ये लड़ाके अत्याधुनिक हथियारों और मिलिट्री वाहनों से लैस हैं। तालिबानी लड़ाके हाथ में हथियार लहराते हुए मिलिट्री वाहन के साथ स्केटिंग करते जाते हुए देखे जा सकते हैं। इसराइल हमास युद्ध में तालिबान की सीधी एंट्री ने मध्य पूर्व एशिया में जंग का दायरा और बढ़ाने का खतरा बढ़ा दिया है। तालिबान का कहना है कि उसके पास अरबों रुपयों के अमेरिकी हथियार हैं, जिसे जो बाइडेन अफगानिस्तान में छोड़ गए हैं। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में हमास के खात्मे के बाद हिजबुल्ला के खिलाफ बड़ी जंग का ऐलान किया है। नेतन्याहू ने कहा था कि गाजा में हमास के खिलाफ जंग लगभग खात्मे की ओर है। उन्होंने कहा कि हमास के खिलाफ गाजा में जंग अभी भी जारी रहेगी, मगर बड़ी संख्या में हमास के लड़ाकों के मारे जाने के बाद अब अधिक इजरायली सैनिकों की गाजा में जरूरत नहीं रह गई है, इसीलिए अब हिजबुल्ला से हिसाब चुकता करने को हमारी सेना तैयार है। इसराइल हमास के बीच जारी हमलों में जब से हिजबुल्ला कूदा है, तब से इस युद्ध की दशा और दिशा हिंसक हो चली है। लेबनान के इस शक्तिशाली चरमपंथी संगठन को ईरान का जबरदस्त समर्थन हासिल है, यही वजह है कि इस समूह की ताकत का लोहा हर कोई मानता है। बीते साल 7 अक्टूबर के बाद से ही ये समूह इसराइल पर लगभग रोजाना गोलाबारी कर रहा है। अपने एडवांस हथियारों के बूते इसराइल को चुनौती देने वाला हिजबुल्ला अब इसराइल के लिए सिरदर्द बन चुका है। हिजबुल्ला के बढ़ते हमलों के बीच इसराइल ने लेबनान पर भी हमले की तैयारियां तेज कर दी हैं। PM नेतन्याहू के बाद सैन्य अधिकारियों की ओर से आ रहे बयानों से ऐसा संकेत मिलने लगा है कि इसराइल हमास के साथ साथ हिजबुल्ला से भी सीधा भिड़ने वाला है। वहीं हिजबुल्ला ने भी करारा पलटवार करने और इसराइल को सबक सिखाने की धमकी दे डाली है। इन सब के चलते अमेरिका और पश्चिमी देशों समेत अरब देशों ने भी हिजबुल्ला की उग्र कार्रवाई के चलते आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ था। हालांकि अब अरब देशों ने अपने पुराने फैसले में बदलाव करते हुए बड़ा फैसला लिया है। अरब लीग के सहायक महासचिव होसाम जकी ने खुलासा किया है कि अरब लीग ने अब हिजबुल्ला को आतंकवादी संगठन की लिस्ट से हटा दिया है। अरब लीग के पिछले फैसलों में हिजबुल्ला को एक आतंकवादी संगठन के रूप में लिस्टेड किया गया था, जिसके कारण हिजबुल्ला समूह से सभी कम्युनिकेशन को खत्म कर दिया गया था। मगर अब लीग के सदस्य देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि हिजबुल्ला पर आतंकवादी संगठन का लेबल अब नहीं लगाया जाना चाहिए। हिजबुल्ला की लेबनान के भविष्य में एक अहम भूमिका है। अरब लीग आतंकवादी सूची नहीं रखता है, सक्रिय रूप से इस तरह की संस्थाओं को नामित करने की कोशिश नहीं करता है। आपको बता दें कि बेरूत में अपनी यात्रा के दौरान जकी ने एक दशक से ज्यादा समय के बाद अरब लीग और हिजबुल्ला के बीच हुए पहले संपर्क में लेबनान के प्रतिरोधी गुट के वफादार के प्रमुख सांसद मोहम्मद राड से मुलाकात की।
आपको यहाँ ये भी बता दें कि अरब लीग का गठन 22 मार्च 1945 को काहिरा में हुआ था। शुरुआत में 7 सदस्यों के साथ मिस्र, इराक, ट्रांसजॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया और उत्तरी यमन के साथ इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इस लीग में 22 सदस्य देश हैं। आपको बता दें कि अरब लीग ने मार्च 2016 में हिजबुल्ला को आतंकवादी संगठन के रूप में लिस्टेड किया था। उस दौरान अरब लीग के इस फैसले पर लेबनान और इराक ने कड़ी आपत्ति जताई थी। ये फैसला 2 मार्च 2016 को खाड़ी सहयोग परिषद की ओर से लेबनानी समूह को नामित करने के तुरंत बाद आया था। और अब अरब लीग का ये फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब ऐसी आशंका जताई जा रही है कि हिजबुल्ला का इसराइल के साथ तनाव अपने चरम पर है। किसी भी वक्त दोनों में हिंसक युद्ध छिड़ सकता है। इजरायली नेताओं की ओर से आ रही लगातार धमकियों से इलाके का माहौल गर्मा गया है। दोनों पक्षों ने ही सीधे युद्ध की धमकियां दे डाली हैं। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि वो हिजबुल्ला के साथ एक राजनयिक समझौते पर पहुंचना पसंद करते हैं। इजरायल का रक्षा प्रतिष्ठान लेबनान में संभावित हमले की तैयारी कर रहा है। हम हर चीज के लिए तैयार हैं। हम अपनी डिफेंसिव और एग्रेसिव दोनों ताकत के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऐसे नाजुक मोड़ पर लीग का ये फैसला काफी हद तक हिजबुल्ला को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करने वाला माना जा रहा है। हिजबुल्ला की बढ़ती सैन्य ताकत भी इसकी एक वजह मानी जा रही है। लेबनान पर जिस तरह से हिजबुल्ला समूह का कब्जा बरकरार है, जिसका असर भी अरब देशों के इस फैसले पर साफ तौर से देखा जा सकता है। अरब लीग के सहायक महासचिव ने बताया कि इसराइल की ओर से आ रहे हमलों के संकेत चिंताजनक हैं, लेबनान पर युद्ध थोपने की ओर इशारा करते हैं। अरब लीग इसके खिलाफ है। इसराइल ने 7 अक्टूबर 2023 के बाद जब हमास का सफाया करने के लिए गाजा पर जमीनी हमला किया था, उस वक्त ये कहा गया था कि गाजा जिस जमीन पर बसा हुआ है उसमें हजारों सुरंगे हैं, जिनमें हमास के लड़ाकों ने इजरायली बंधकों को छिपा कर रखा है। साथ ही वो अपने पूरे नेटवर्क को इन्हीं सुरंगों से ऑपरेट कर रहे हैं और इन सुरंगों को ध्वस्त कर पाना इजरायली सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। हालांकि अभी तक IDF गाजा के भीतर कई सुरंगों को तबाह कर चुकी है, लेकिन अभी भी कई ऐसी खुफिया सुरंगें हैं जो IDF की नजरों से दूर हैं। और अब इसी कड़ी में हमास ने टेलीग्राम पर एक वीडियो रिलीज किया है। ये वीडियो रफा के तलल सुल्तान इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर हमास के लड़ाके एक बिल्डिंग के नीचे सुरंग में खोदते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद ये इस सुरंग को अलबहार स्ट्रीट की सड़क के बीचों बीच छोड़ देते हैं। बता दें कि इस रास्ते से होकर इजरायली सैनिक गुजरते हैं। और इस वीडियो में कुछ ही सेकंड के बाद इस सुरंग में जोरदार धमाका होता है। दरअसल धमाका होने से पहले IDF का एक टैंक इस सड़क पर आता है और उसके तुरंत बाद सुरंग में ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी चपेट में ये टैंक आ जाता है। दरअसल अलकासिम ब्रिगेड के लड़ाके इस सुरंग में भारी मात्रा में विस्फोटक लगा देते हैं और जैसे ही IDF का मरकावा टैंक यहाँ से गुजरता है, सुरंग में रखा बारूद फट जाता है। अलकासिम का कहना है कि इस धमाके में टैंक का चालक दल मारा गया है। आपको बता दें कि हमास ने न सिर्फ राफा में IDF को तगड़ा झटका दिया है, बल्कि जेनिन में भी 27 जून 2024 की रात को हुए एक धमाके में IDF के एक 19 साल के स्नाइपर कमांडर सार्जेंट इयाल शाइनीस की मौत हो गई है और इस धमाके में 16 सैनिक घायल हुए हैं। इजरायली सेना के रेडियो का कहना है कि पहला विस्फोटक नामे टाइप आर्मर्ड व्हीकल में फटा। इजरायली सेना का कहना है कि शुरुआती जांच में ये पता चला है कि दो विस्फोटक कम से कम 1.5 मीटर की गहराई में दबाए गए थे, जो कि इजरायली सैन्य वाहन के वहां से गुजरने के दौरान फट गए। और इसी दौरान अलकासिम और अलकुज ब्रिगेड की जेनिन में इजरायली सैनिकों के साथ सीधी भिड़ंत भी हुई। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें IDF का एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि यह हेलीकॉप्टर IDF के घायल जवानों को लेकर जा रहा था, जो उत्तरी जेनिन में हुए बम धमाके में घायल हुए थे। बड़ी बात यह है कि इस हमले से पहले इजरायली सेना ने जेनिन के कालिकिलिया गवर्नेट, बेथलेहम और हेरबरोन में छापेमारी की थी। इसके अलावा
रामल्ला के केंद्रीय इलाके में भी IDF ने कई रेड मारी थी और इस कार्रवाई से पहले 26 जून को IDF ने दक्षिणी हेब्रोन में 7 बिल्डिंग्स को ध्वस्त कर दिया था। इस दौरान अल इसवैया में IDF ने आंसू गैस के गोले छोड़े थे और बमबारी की थी। इसराइल हमास युद्ध की वजह से उत्तरी इसराइल पर लेबनान के हिजबुल्ला ने इस कदर कहर बरपाया है कि अब इसराइली सेना हिजबुल्ला से सीधे जंग की तैयारी कर रही है। हिजबुल्ला बार बार उत्तरी बॉर्डर पर लगातार बमबारी और मिसाइल रॉकेट हमले कर रहा है, जिससे इसराइल का ये इलाका वीराने में तब्दील हो चुका है। और तो और, जैसे ही IDF इस इलाके में अपना कोई नया ठिकाना बनाती है, हिजबुल्ला उस पर भी हमला कर देता है। और इन्हीं हमलों को लेकर हिजबुल्ला ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने कब्जे वाले सफाद के बिरिया इलाके में एक बड़ा रॉकेट हमला किया है। हिजबुल्ला ने यहाँ पर रॉकेट का एक पूरा जत्था ही दाग दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर भीषण आग लग गई। वहीं इस हमले को लेकर इजरायली मीडिया का कहना है कि हिजबुल्ला ने सफाद से लेकर अल जलील में कम से कम 40 रॉकेट फायर किए हैं। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला का कहना है कि उसने बिरिया बैरिक्स पर ग्रेट टाइप रॉकेट का एक पूरा साल्वो फायर किया है, जो इजरायली सेना की नॉर्दर्न कमांड की प्रमुख एयर डिफेंस यूनिट की मेजबानी करता है। आपको बता दें कि हिजबुल्ला का ये भी कहना है कि उसने ये हमला IDF द्वारा दक्षिणी लेबनान के अल नबातिया और सुहमोर शहर में किए गए हमलों के जवाब में किया था, और हिजबुल्ला के जवाबी हमले की वजह से सफाद में अचानक से अंधेरा छा गया। वहीं शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है, जबकि इसराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम इसका सामना करने में चुनौतियों का सामना कर रहा था। हिजबुल्ला का कहना है कि उसके इस हमले की वजह से एन जेतिम सेटलमेंट और सफाद में जबरदस्त आग लग गई। और बड़ी बात यह है कि इजरायली मीडिया का कहना है कि ये हालिया हफ्तों में हिजबुल्ला का सबसे बड़ा रॉकेट साल्वो हमला था। और इस हमले के इतर भूमध्य सागर के अल नकोरा नेवल बेस पर भी हिजबुल्ला ने कई आत्मघाती ड्रोन्स फायर किए हैं, और इन ड्रोन हमलों की वजह से इजरायली सेना को यहां भी भारी नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना ने भी लेबनान के आयतरोन, हौला, अल खायम और रामिया में भारी तबाही मचाई है। इजरायल के लड़ाकू जहाजों ने इन इलाकों में कई एयर स्ट्राइक की हैं। इसके अलावा IDF ने अल नकोरा, अलमा अल शहाब, अल हबारिये, कफार किला और हाता के कई हमले किए हैं। गाजा में अब इजरायली फौज हांफने लगी है। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF ने हमास को मिटाने का जो सपना देखा था, अब शायद सपना ही रह जाए, क्योंकि जिस तरह से गाजा के अलग अलग हिस्सों में IDF हमास के हमलों का सामना कर रही है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि गाजा के भीतर अब बाजी पलट चुकी है, और इसका एहसास खुद इजरायली सेना के आला अफसरों को भी है। और यही वजह है कि अब पर्दे के पीछे IDF के जनरल गाजा में युद्ध विराम चाहते हैं, जिससे लेबनान बॉर्डर पर शांति बहाल हो। लेकिन नेतन्याहू की जिद की वजह से IDF पर इन दोनों फ्रंट पर भारी दबाव पड़ रहा है। जिसका सबूत हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड का ये वीडियो है, जो गाजा से आया है। दरअसल गाजा के रफा में अल कासिम के लड़ाकों ने IDF के जवानों और उनके वाहनों पर एक बहुत बड़ा हमला किया है, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि हमास के लड़ाकों का ये बहुत ही ज्यादा डेयरिंग हमला था। दरअसल यहां पर अल कासिम के दो लड़ाके दौड़ते हुए जाते हैं और सामने खड़े इजरायली टैंक में बम रखकर तुरंत वहां से भाग निकलते हैं, और इसके कुछ ही सेकंड में टैंक में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और टैंक आग के गोले में तब्दील हो जाता है। इसी वीडियो में साफ दिख रहा है कि इस धमाके के बाद भी हमास के लड़ाके रुकते नहीं हैं, बल्कि वो फिर से इस टैंक की तरफ एक रॉकेट फायर करते हैं। और इसके तुरंत बाद हमास का लड़ाका सड़क पर आकर सामने से आ रहे IDF के टैंक पर फिर से रॉकेट दाग देता है, और यहीं से फिर IDF और हमास के बीच ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू हो जाती है।
वीडियो में आगे दिख रहा है कि अल कासिम का एक लड़ाका लॉन्चर में रॉकेट भरकर उन्हें दनादन फायर कर रहा है। और इन हमलों के बीच गाजा के नूर शाम्स कैंप में अलकुज ब्रिगेड और तुलकारम ब्रिगेड साथ मिलकर आईडीएफ के टाइगर सैन्य वाहन पर एक बड़े आईईडी ब्लास्ट से हमला कर देते हैं। अलकुज ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे आईडीएफ का ये वाहन आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी अलकुज के लड़ाके उस वाहन पर रॉकेट से हमला कर देते हैं जिसमें बड़ा धमाका होता है और धमाके की कुछ देर बाद आईडीएफ जवान वहां से भागते हुए नजर आते हैं। और इस हमले के अलावा अल सुजाया कैंप में भी अलकुज ने आईडीएफ के नोमिर सैन्य वाहन पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। अलकुज ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें दिख रहा है कि कैसे एक लड़ाका रॉकेट लॉन्चर लेकर आगे बढ़ता है और उसे सामने से आईडीएफ का ये वाहन आता दिखाई दे जाता है जिस पर इसराइल का झंडा लगा होता है। इसके बाद ये लड़ाका उस पर रॉकेट फायर कर देता है जिसमें जबरदस्त ब्लास्ट होता है। और इसी हमले के दौरान अल कासिम ब्रिगेड की भी इजरायली सैनिकों से तगड़ी भिड़ंत होती है। अल कासिम ने इसका एक वीडियो भी रिलीज किया है जिसमें देखा जा सकता है कि एक लड़ाका फोन पर कुछ बात करता हुआ दिख रहा है। इसके बाद एक कैमरे से इसी इलाके में आईडीएफ के कुछ सैनिकों पर पहले घात लगाई जाती है और फिर उसके बाद उन पर स्नाइपर राइफलों और रॉकेट लॉन्चर से दनादन हमले कर दिए जाते हैं। वीडियो में दिख रहा है कि सामने एक बिल्डिंग में आईडीएफ का एक जवान झांक रहा होता है जिसके ऊपर अल कासिम के लड़ाके हमला कर देते हैं। और इसी दौरान चारों तरफ फायरिंग की तड़तड़ाहट सुनाई देने लगती है। अल कासिम के लड़ाके बिना रुके गोलियों की बरसात कर देते हैं और इसी दौरान अलकुज के लड़ाके रफा के भीतर इजरायली सैनिकों और उनके सैन्य वाहन पर फिर से एक बड़ा हमला करते हैं। यहां पर अलकुज के लड़ाके आईडीएफ के ऊपर गोला बारूद से हमला करते हैं। अलकुज के इस वीडियो में दिख रहा है कि दूर से एक टैंक आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी उसके ऊपर अलकुज का एक लड़ाका घात लगाकर रॉकेट फायर कर देता है जिसमें जबरदस्त धमाका होता है और इसके तुरंत बाद यहां से आईडीएफ के जवान भागने लगते हैं जिनके ऊपर भी अलकुज के लड़ाके फायरिंग शुरू कर देते हैं। इसी वीडियो में आगे देखने पर हमास के कुछ लड़ाके पेड़ों के पीछे छिपकर घात लगाकर रॉकेट फायर करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जहां एक ओर अरब समेत पश्चिमी देश इसराइल हमास की जंग रोकने की भरपूर कोशिशों में जुटे हैं, वहीं इसराइल इस जंग को और तेजी से आगे बढ़ा रहा है। गाजा में हमास के सफाई के बाद अब रफा में इसराइल हमास के पीछे पड़ा है, वहीं इसराइल हमास की इस जंग में अब तालिबान भी कूद पड़ा है। तालिबान ने इसराइल के खिलाफ जंग में हिजबुल्ला का साथ देने के लिए 1,000 से अधिक लड़ाके लेबनान भेजे हैं। तालिबानी लड़ाके लेबनान की ओर जाते दिख रहे हैं। एक्स पर इसे लेकर एक वीडियो भी सामने आया है। अफगानिस्तान से पहली खेप में 1,000 से ज्यादा तालिबानी लड़ाके लेबनान भेजे गए हैं जो युद्ध में हिजबुल्ला का साथ देंगे। ये लड़ाके अत्याधुनिक हथियारों और मिलिट्री वाहनों से लैस हैं। तालिबानी लड़ाके हाथ में हथियार लहराते हुए मिलिट्री वाहन के साथ स्केटिंग करते जाते हुए देखे जा सकते हैं। इसराइल हमास युद्ध में तालिबान की सीधी एंट्री ने मध्य पूर्व एशिया में जंग का दायरा और बढ़ाने का खतरा बढ़ा दिया है। तालिबान का कहना है कि उसके पास अरबों रुपयों के अमेरिकी हथियार हैं, जिसे जो बाइडेन अफगानिस्तान में छोड़ गए हैं। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में हमास के खात्मे के बाद हिजबुल्ला के खिलाफ बड़ी जंग का ऐलान किया है।
नेतन्याहू ने कहा था कि गाजा में हमास के खिलाफ जंग लगभग खात्मे की ओर है। उन्होंने कहा कि हमास के खिलाफ गाजा में जंग अभी भी जारी रहेगी, मगर बड़ी संख्या में हमास के लड़ाकों के मारे जाने के बाद अब अधिक इजरायली सैनिकों की गाजा में जरूरत नहीं रह गई है, इसीलिए अब हिजबुल्ला से हिसाब चुकता करने को हमारी सेना तैयार है। इसराइल हमास के बीच जारी हमलों में जब से हिजबुल्ला कूदा है तब से इस युद्ध की दशा और दिशा हिंसक हो चली है। लेबनान के इस शक्तिशाली चरमपंथी संगठन को ईरान का जबरदस्त समर्थन हासिल है, यही वजह है कि इस समूह की ताकत का लोहा हर कोई मानता है। बीते साल 7 अक्टूबर के बाद से ही ये समूह इसराइल पर लगभग रोजाना गोलाबारी कर रहा है। अपने एडवांस हथियारों के बूते इसराइल को चुनौती देने वाला हिजबुल्ला अब इसराइल के लिए सिरदर्द बन चुका है। हिजबुल्ला के बढ़ते हमलों के बीच इसराइल ने लेबनान पर भी हमले की तैयारियां तेज कर दी हैं। पीएम नेतन्याहू के बाद सैन्य अधिकारियों की ओर से आ रहे बयानों से ऐसा संकेत मिलने लगा है कि इसराइल हमास के साथ साथ हिजबुल्ला से भी सीधा भिड़ने वाला है। वहीं हिजबुल्ला ने भी करारा पलटवार करने और इसराइल को सबक सिखाने की धमकी दे डाली है। इन सब के चलते अमेरिका और पश्चिमी देशों समेत अरब देशों ने भी हिजबुल्ला की उग्र कार्रवाई के चलते आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ था। हालांकि अब अरब देशों ने अपने पुराने फैसले में बदलाव करते हुए बड़ा फैसला लिया है। अरब लीग के सहायक महासचिव होसाम जकी ने खुलासा किया है कि अरब लीग ने अब हिजबुल्ला को आतंकवादी संगठन की लिस्ट से हटा दिया है। अरब लीग के पिछले फैसलों में हिजबुल्ला को एक आतंकवादी संगठन के रूप में लिस्टेड किया गया था, जिसके कारण हिजबुल्ला समूह से सभी कम्युनिकेशन को खत्म कर दिया गया था। मगर अब लीग के सदस्य देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि हिजबुल्ला पर आतंकवादी संगठन का लेबल अब नहीं लगाया जाना चाहिए। हिजबुल्ला की लेबनान के भविष्य में एक अहम भूमिका है। अरब लीग आतंकवादी सूची नहीं रखता है, सक्रिय रूप से इस तरह की संस्थाओं को नामित करने की कोशिश नहीं करता है। आपको बता दें कि बेरूत में अपनी यात्रा के दौरान जकी ने एक दशक से ज्यादा समय के बाद अरब लीग और हिजबुल्ला के बीच हुए पहले संपर्क में लेबनान के प्रतिरोधी गुट के वफादार के प्रमुख सांसद मोहम्मद राड से मुलाकात की। आपको यहाँ ये भी बता दें कि अरब लीग का गठन 22 मार्च 1945 को काहिरा में हुआ था। शुरुआत में 7 सदस्यों के साथ मिस्र, इराक, ट्रांसजॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया और उत्तरी यमन के साथ इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इस लीग में 22 सदस्य देश हैं। आपको बता दें कि अरब लीग ने मार्च 2016 में हिजबुल्ला को आतंकवादी संगठन के रूप में लिस्टेड किया था। उस दौरान अरब लीग के इस फैसले पर लेबनान और इराक ने कड़ी आपत्ति जताई थी। ये फैसला 2 मार्च 2016 को खाड़ी सहयोग परिषद की ओर से लेबनानी समूह को नामित करने के तुरंत बाद आया था। और अब अरब लीग का ये फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब ऐसी आशंका जताई जा रही है कि हिजबुल्ला का इसराइल के साथ तनाव अपने चरम पर है, किसी भी वक्त दोनों में हिंसक युद्ध छिड़ सकता है। इजरायली नेताओं की ओर से आ रही लगातार धमकियों से इलाके का माहौल गर्मा गया है। दोनों पक्षों ने ही सीधे युद्ध की धमकियां दे डाली हैं। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि वो हिजबुल्ला के साथ एक राजनयिक समझौते पर पहुंचना पसंद करते हैं। इजरायल का रक्षा प्रतिष्ठान लेबनान में संभावित हमले की तैयारी कर रहा है। हम हर चीज के लिए तैयार हैं। हम अपनी डिफेंसिव और एग्रेसिव दोनों ताकत के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऐसे नाजुक मोड़ पर लीग का ये फैसला काफी हद तक हिजबुल्ला को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करने वाला माना जा रहा है। हिजबुल्ला की बढ़ती सैन्य ताकत भी इसकी एक वजह मानी जा रही है। लेबनान पर जिस तरह से हिजबुल्ला समूह का कब्जा बरकरार है, जिसका असर भी अरब देशों के इस फैसले पर साफ तौर से देखा जा सकता है। अरब लीग के सहायक महासचिव ने बताया कि इसराइल की ओर से आ रहे हमलों के संकेत चिंताजनक है, लेबनान पर युद्ध थोपने की ओर इशारा करते हैं। अरब लीग इसके खिलाफ है। जैसे जैसे इसराइल और हिजबुल्ला के बीच युद्ध का ज्वालामुखी फटने को आ रहा है, वैसे वैसे हिजबुल्ला लगातार इसराइल के ऊपर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में हिजबुल्ला ने अपना एक जासूसी ड्रोन कब्जे वाले फिलिस्तीन में भेजकर इजरायली सेना के तमाम खुफिया सैन्य अड्डों, एयर डिफेंस, हथियार कंपनियों का भेद जान लिया था।
और हिजबुल्ला ने बाकायदा इसका एक वीडियो भी जारी किया था और कहा था कि अब इजरायली सेना के अड्डों की जानकारी उसके पास पहुंच चुकी है और अगर इजरायल ने लेबनान पर हमला करने की जरूरत की तो इजरायल का क्या होगा ये उसे भी नहीं पता। लेकिन अब इस सब के बीच हिजबुल्ला ने एक बार फिर से इजरायल के साथ एक बहुत बड़ा कांड कर दिया है। वो ये है कि हिजबुल्ला ने दोबारा अपना एक जासूसी ड्रोन भेजकर इजरायली सेना के कई राज जान लिए हैं। दरअसल हिजबुल्ला का कहना है कि उसने कब्जे वाले सीरियन गोलन इलाके में अपना एक जासूसी ड्रोन भेजा था और ये ड्रोन काफी समय तक इस इलाके में उड़ान भरता रहा और IDF के सारे महत्वपूर्ण ठिकानों की जानकारी इकट्ठा करके उसका वीडियो रिकॉर्ड करता रहा। और तो और IDF को इसकी भनक तक नहीं लगी और ये ड्रोन सीरियन गोलन में IDF के सारे भेद जानकर वापस लेबनान लौट आया। दरअसल हिजबुल्ला ने इस ऑपरेशन का 10 मिनट का वीडियो जारी किया है। वीडियो में इजरायल के 6 रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक जासूसी अड्डों को दिखाया गया है। इसमें पश्चिम और पूर्वी स्लैगिम साइट, एस्त्रा साइट, इजरायली साइट, अवीतल साइट और तेलफारेस सैन्य अड्डे शामिल हैं और हिजबुल्ला ने इस ऑपरेशन को होपोए पार्ट 2 का नाम दिया है। हिजबुल्ला के मुताबिक IDF के इन सैन्य अड्डों से जासूसी गाइडेंस, लंबी दूरी की मॉनिटरिंग और इलेक्ट्रॉनिक अटैक जैसे जैमिंग और डिसेप्शन किए जाते थे। इसके अलावा इन सैन्य अड्डों पर प्रमुख संचार नोड्स और डेटा एक्सचेंज और 9,900 यूनिट और 8,200 यूनिट की फोर्स भी है। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने IDF के इंटेलिजेंस और शुरुआती चेतावनी देने वाले सैन्य अड्डों को वीडियो में कैद किया है और इसे द आई ऑफ स्टेट ऑफ इसराइल का नाम दिया गया है। हिजबुल्ला ने अपने इस वीडियो में कई परतों से इन सैन्य अड्डों की खुफिया जानकारी हासिल की है। वीडियो में उन सड़कों को भी फिल्माया गया है जिन्हें IDF ने हमास के हमले के वक्त बनाया था और इन रास्तों पर इजरायली सैनिकों के कई शेल्टर्स भी बनाए गए थे। इसके अलावा इस वीडियो के आखिर में ये भी आ रहा है कि आगे अभी बाकी है, जिसका मतलब ये हुआ कि साफेद और तबारिया की जासूसी का वीडियो अगले एपिसोड में आना बाकी है। हिजबुल्ला ने जो वीडियो जारी किया है उसमें जो जानकारी हासिल की है वो ये है कि हबुशित और मालहा गोलन बैरिक पर नए पॉइंट स्थापित किए गए हैं। युआव बैरिक्स पर आर्टिलरी और मिसाइल बटालियन अल जलील और गोलन फ्रंट्स पर ऑपरेट कर रही है। सदन रिवाया बैरिक्स पर 71वीं बख्तरबंद बटालियन का हेडक्वार्टर है जिसमें 188वीं ब्रिगेड है। उत्तरी रिवाया बैरिक में 74वीं बख्तरबंद बटालियन का हेडक्वार्टर है। अली का बैरिक्स में 188वीं बख्तरबंद ब्रिगेड का प्रमुख मुख्यालय है, वहीं कीरिन बैरिक्स के गोलन फील्ड में पैदल सेना का कैंप है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला के इस वीडियो से इजरायल में बवाल मच गया है। इजरायली मीडिया IDF से जवाब मांग रही है। इजरायली मीडिया का कहना है कि हिजबुल्ला ने इजरायल के सबसे संवेदनशील सैन्य अड्डों की जानकारी हासिल कर ली है जो उत्तर में है और हिजबुल्ला का ये नया वीडियो नई चिंताएं पैदा करता है और कई रक्षा एक्सपर्ट्स का कहना है कि हिजबुल्ला IDF के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव डाल रहा है और ये वीडियो साबित करता है कि कैसे इजरायली सेना इस ड्रोन को पकड़ नहीं पाई। कुछ मीडिया हाउसेस का तो ये भी कहना है कि हिजबुल्ला के इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए IDF को और कितने F-35 जेट्स चाहिए।
और कुछ जानकारों का कहना है कि हिजबुल्ला न सिर्फ IDF के संवेदनशील ठिकानों तक जासूसी कर रहा है बल्कि वो इन पर हमला भी कर सकता है, जिसमें IDF को बड़ा नुकसान हो सकता है, जो इसराइल की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है।